नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त एक खास शख्सियत का साक्षात्कार सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां आपको बता दें ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सीताराम कश्यप ने साझा किया हंगामा टाइम से अपना संघर्ष और अपना परिश्रम कि किस तरह से वह उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वहीं आपको हम बता दें कि ललित कला अकादमी किस तरह से बड़े कदम उठा रहा है मूर्तिकार और चित्रकारों के लिए। आइए डालते हैं खास बातचीत पर नजर, लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर। भारत में जिस तरह से चित्रकारी और मूर्तिकार जिस तरह से राजधानी लखनऊ में उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की, अगर चित्रकार अपनी प्रदर्शनी को लगाना चाहे तो ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से 8 फरवरी 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन साफ तौर पर जो कलाकार हैं आज भी अपनी प्रतिभा के लिए मंच तलाशते हैं। आज इन सब विषयों को लेकर हम बात करने वाली ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष सीताराम कश्यप से, जिन्होंने कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और महत्वपूर्ण बातें सरकार तक भी पहुंचाई। चित्रकारी और मूर्तिकारी एक बड़ी कला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कलाकार होते हैं जब उनको प्रदर्शनी लगानी होती है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जगह की काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन ललित कला एकेडमी के माध्यम से अपनी प्रदर्शनी और चित्रकारी को दर्शा सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे साथ सीताराम कश्यप जी मौजूद हैं, जिनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार में है और लगातार कलाकारों के लिए मूर्तिकारों के लिए बड़े कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। सीताराम जी, आखिर ललित कला एकेडमी के द्वारा मूर्तिकार और चित्रकारों के लिए बड़ा कदम किस तरह का उठाया गया, क्योंकि लंबे समय से ललित कला एकेडमी चल रहा है, अब तक 21 अध्यक्ष बन चुके हैं, 21 नंबर के अध्यक्ष, आप कुछ बेहतर और अलग क्या करने वाले हैं? देखिए, ललित कला एकेडमी स्थायी रूप से प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियाँ लगाती है, जिसमें पूरे प्रदेश और कला और देश से कलाकार उसमें अपनी कलाकृतियाँ भेजते हैं, मूर्तिकार भी इसमें सम्मिलित हैं, और उसको एक विशिष्ट कलाकारों की जूरी के माध्यम से जजिंग कराते हैं और उनको जो उनके अनुसार जूरी जो निर्णय करती है, 5 कलाकार 10 कलाकार उनको एकेडमी एक निश्चित उसके लिए तय कर रखा है कि भाई इतने हज़ार रुपये का पुरस्कार एकेडमी अवार्ड उसको बोलेंगे एकेडमी अवार्ड के रूप में दिया जाता है। ये तो स्थायी रूप से कार्य हो ही रहा है और समय समय पर जैसा कि सामायिक विषय आ जाते हैं, जैसा कि अभी विगत वर्ष जब कोविड काल शुरू हुआ तो उस काल में जब हमारे प्रदेश की जो युवा मजदूर कह लीजिए जो दूसरे अन्य प्रदेशों में बम्बई दिल्ली और बड़े बड़े, तो हमारे मालूम हुआ हमारे प्रदेश की बहुत ज़्यादा लाखों लाखों की संख्या में हमारे युवा दूसरे प्रदेशों में उनकी शक्ति का वहाँ उपयोग हो रहा है। जब वापस आने लगे तो कई दिनों तक जैसा कि आप सबने देखा कि भी काफ़ी लाखों की संख्या में युवा वापस आए, उस समय हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी योगेन्द्रनाथ जी ने का चिंतन हुआ कि क्यों ना इस शक्ति को, इस युवा शक्ति को हम अपने प्रदेश में ही उद्योगों के बहाने उनको यहाँ रोके और उनको अपने ही प्रदेश में उनकी शक्ति का उपयोग हो, उनकी उनके एक प्रकार से ह्यूमन जो उनकी शक्ति है ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश करे उनके, तो ऐसा करके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिकरण की ओर चिंतन किया और कार्य भी प्रारंभ किए। इसी विषय को लेकर ललित कला एकेडमी ने एक ऑनलाइन प्रदर्शनी का शुरुआत कराई और उसमें विषय था संन्यास से औद्योगिकरण की ओर। ये चिंतन आया और हमारे प्रदेश के कलाकारों ने चिंतन किया और विषय जब कलाकारों ने के द्वारा जो वो चिंतन से उभर के पेंटिंग के रूप में आया, बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियाँ आई, उसका मैंने विगत वर्ष ऑनलाइन प्रदर्शन भी किया था और एकेडमी में भी प्रदर्शन हुआ था। इसी प्रकार से जो जो विषय समय पर आते गए, किसी महापुरुष का जन्मदिवस होता है,
जैसे विगत वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला जन्म दिवस था उनके मरणोपरांत, तो सरकार ने उसको विशेष रूप से कराया, तो उसमें करीब 51 कलाकारों ने भाग लिया था, जिसमें लगभग 30 कलाकार चित्रकार थे और 20 मूर्तिकार। उन्होंने अपना अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे काम किया, कुछ ने म्यूरल के रूप में बनाया काम किया, किसी ने पोर्ट्रेट बनाए, और जो चित्रकारों ने अपना पेंटिंग बनाई उनके विषयों को भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर के। सीताराम जी, चूंकि आज का जो युवा है चित्रकारी मूर्तिकारी से दूर जा रहा है, और कारण यह है कि बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिल पाता, तो इस विषय को लेकर किस तरह का कदम आपके द्वारा उठाया जाएगा, प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर युवा एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो कलाकारी में। युवा जो देखिए, कला तो एक ऐसा एक अलग विषय है, हम रुक लें, कला एक ऐसा विषय है कि ये तो यदि उसके अंदर कला है, गॉड गिफ्टेड है, और हमारी प्रदेश की कला संस्थाएं विश्वविद्यालय उन्हीं की उन कला के जो उनके अंदर अंकुर हैं उनको हवा पानी दे करके उनके अंदर कलाकार बनने का एक सपना बनता, वो कलाकार बनते भी। अब विशिष्ट है विषय, हजारों लाखों में कई एक कलाकार होता है, तो इसलिए वो जब मैंने वैसे भी चर्चा करता रहते हूँ, कलाकार स्वांता सुखाए के लिए कार्य करता है, और उसी को कार्य करते करते यदि उसका और जीवन यापन के लिए भी आर्थिक मिलता है, सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा रहता है। तो उसमें युवा कलाकार जो हमारा वो निरंतर अपना कार्य करता रहता है। हाँ, कुछ कलाकारों को सौभाग्यशाली होते जो स्थाई उनको एक सरकार के कुछ विभागों में, शिक्षा विभाग में उनको सरकारी सेवाएं नौकरियां भी मिल जाती लेक्चरर के रूप में, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना स्वतंत्र ही कलाकार के रूप में अपना जीवन यापन, उनको पसंद ही नहीं कि हम गवर्नमेंट करें, वो तो अपना उसकी अपने व्यक्तिगत। कि साफ तौर पर जिस तरह से कलाकार और कलाकारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन अब देखने की बात ये भी होगी कि मूर्तिकार और चित्रकार जिस तरह से ललित कला एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर कई प्रदर्शनी लगाई जाती है, और जिस तरह से कोविड काल में वर्चुअल प्रदर्शनी भी लगाई गई, और कलाकारी का जो कार्य रहा, जो कहीं ना कहीं उनके हौसलों को बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहन देने का काम रहा, उसको रोका नहीं गया, लेकिन अब 2022 का चुनाव है और कलाकार की आस भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर है, कि आखिर मूर्तिकार और चित्रकारों के लिए सरकार का बड़ा कदम क्या होगा। सीताराम जी, देखिए अभी भी कलाकार सरकार से आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि हर वर्ग सरकार से आस लगाता है, तो आखिर किस तरह के कदम आप लोगों द्वारा उठाए जाएंगे जो कलाकारों के पक्ष में होंगे और कुछ बेहतर होंगे। निश्चित रूप से अभी हमने ललित कला एकेडमी ने एक अभी कल ही हमारा कैंप जो 7 दिन का था, जो कोविड काल में जो वो स्वतंत्र कलाकार थे जिनका कोई स्थायी कमाई का कोई जरिया नहीं था, ऐसे कलाकारों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, जो 1-7 दिन का ये वर्चुअल कैंप था, जिसमें करीब 41 मूर्तिकारों ने और 59 चित्रकारों ने भाग लिया, और वो कार्यशाला कैंप कल ख़त्म हुआ। हम प्रत्येक जितने भी हमारे 100 कलाकार मूर्तिकार चित्रकार चुने गए, चूँकि संख्या ज़्यादा आने की उम्मीद थी, निश्चित रूप से 234 कलाकारों ने अपना आवेदन किया था, चूँकि एकेडमी को आर्थिक पक्ष को भी लेकर के भी कि हाँ कम से कम 10 लाख रुपए में हमको निपटाना है मेरा जो बजट था, तो उस दृष्टि से हमने 100 कलाकार लिए, और हर प्रत्येक जो भी चुना गया प्रत्येक कलाकार को हमें एक मानदेय के रूप में देना है, और उनकी कृतियाँ आएंगी यहाँ। तो एक तो ये हमारी बड़ी योजना थी, और भी भिन्न भिन्न योजनाएं हम कैंप के माध्यम से। जी, कि 22 के चुनाव में जी कलाकारों के लिए कोई विशेष घोषणा, चित्रकार मूर्तिकार, इस बात को सरकार तक जी अभी तो अभी हम
अभी ललित कला एकेडमी के पास एक नया कार्य आ गया है, तो मूर्तिकार मूर्तकला का क्षेत्र में जो कि संस्कृत विभाग अभी तक काम कराता था, अभी ये कार्य मूर्तियों का काम जो प्रदेश सरकार भिन्न भिन्न पार्कों में जो चौराहों पे या किसी विशिष्ट स्थान पे लगने का होता है, तो वह कार्य ललित कला एकेडमी करने वाली है। और उसमें लगभग लगभग सरकार के पास हमारे संस्कृत विभाग में जो भी आवेदन आए हैं कि एक क्रांतिकारी का लगना है, किसी महापुरुष का लगना है, या किसी अन्य जो प्रतिष्ठित उस क्षेत्र का व्यक्ति रहा हो, ऐसे आवेदन जो आ रहे हैं सरकार उसको पूरी तरह ले रही है। और ललित कला एकेडमी एक इसी बहुत ही जल्दी इन सारे जो सरकार के पास आवेदन आ रहे हैं उन सभी मूर्तियों को जल्दी जल्दी उन मूर्तियों को बनवाएगी और स्थापित कराएगी, जिसमें कि हमें मूर्तिकारों को मौका मिलेगा। और मैं उस तरह से भी काम करूँगा कि एक स्वतंत्र रूप से एक पैनल बनाऊँगा करीब 20-25-30 मूर्तिकारों का। मालिक काम हमारे पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं काम सफ़र करे, इसलिए हम कलाकारों में बांट देंगे, एक तय हो जाएगा कोटेशन के उसके टेंडर के माध्यम से एक रेट तय हो जाएगा, तो उस रेट पर हम एक ही तरह का कार्य भिन्न भिन्न कला अधिकतम कलाकारों को काम देंगे, ताकि उनको अधिकतम कलाकार का आर्थिक पक्ष मजबूत हो। जी तो ये थे हमारे साथ सीताराम जी। अब सीताराम जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर देखिए, अब ये थी ललित कला एकेडमी की बात और मूर्तिकार चित्रकारों की बात, लेकिन जो राजनीति में आपका आना हुआ या सामाजिक क्षेत्र में आना हुआ, क्योंकि समाज एक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष को महत्व दिया जाता है कि कश्यप समाज, मौर्या समाज, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्या के पास एक बड़ा बहुमत देखा जाता है, तो समाज ये जानना चाहता है कि सीताराम कश्यप आखिर राजनीति में किस तरह से आए और अपने समाज के लिए भी किस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप बैठक मीटिंग समाज की कोई समस्या होती तो वहाँ पहुँचते हैं। तो राजनीति की शुरुआत कब से हुई, किस तरह का सफ़र रहा, बड़े संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। मैं चूँकि राजनीतिक न पहले था न मैं अपने को अभी तक मान पाया हूँ, हाँ मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज का कार्य करते बालिकाल से समाज से जुड़ा हूँ। और एक मैं सामाजिक संगठन का कार्य करते करते तमाम समय देता रहा कि 24 घंटे में कम से कम 8-10 घंटे सामाजिक संगठनों को समाज को देता रहा, तो एक आदत सी बढ़ गई समाज के लिए कुछ, एक अंदर से दर्द रहता है कि समाज के लिए कुछ करें। उसमें ये भी एक दर्द रहता है कि जिस समाज से हम आए हैं उस समाज के भी दुख दर्द जहाँ तक हो सके उनको हम बांटें। तो इस कारण से मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई आजकल जो समीकरण कुछ बनते हैं कि जब तक जो समाज राजनीति में नहीं रहता है तो वो समाज बिल्कुल कटता जाता है, तो निश्चित इस नाते हमने भी अपने समाज को पूरा जो उनका समाज के लोगों की इच्छा होती है कि भाई आप आए, तो मैं जाता हूँ, उनके बीच बैठता बैठता हूँ, उनके दुख दर्द में भागीदारी करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनका अधिकतम उनके लिए जो हम कर सकें तो वो करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का एक अपना ही जाति समीकरण होता है और विशेष वर्ग को वो महत्व भी देते हैं, क्या लगता है सत्ताधारी पार्टी में इस तरह की चीज़ें हैं या उसने हर समाज को अब जगह दी, और जो कश्यप समाज जो आपका समाज है वो किस तरह से बीजेपी में है, क्या लगता है उनको उनकी जगह मिल पाई? देखिए वास्तव में ये समाज तो काफ़ी पिछड़ा समाज है, पढ़े लिखों की बहुत कम संख्या है, और हाँ मुझे जो लगता है इधर 5-6 साल 10 साल के अंदर जो नई पीढ़ी है वो पीढ़ी काफ़ी जागरूक है, पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है और पढ़ के आगे अच्छे स्थानों पे जा रहे हैं, उनका व्यवसायिक भी एक स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छे काम भी करने लगे हैं, अच्छे व्यवसाय भी करने लगे हैं, तो इस दृष्टि से जब समाज में जागरण शुरू होता तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियाँ भी चाहती हैं कि ये समाज जो कहते हैं ना जो
खुद का नहीं सहयोग करता तो कोई नहीं करता। तो जब समाज के युवा पीढ़ी आगे बढ़ने लगी पढ़ लिख करके, तो निश्चित रूप से राजनीति में कई भी लोगों ने भी सोचा कि समाज को भी अधिकतम हो सके उनकी भी बात। जी जी समाज की जो संख्या है जी हो जाता। बिल्कुल निश्चित रूप से ज़्यादा है, और मैं मानता हूँ 80% खासतौर से युवा समाज निश्चित रूप से भाजपा से जुड़ा हुआ है, और उनके अपनी मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी मान्यताएं हैं कि उनके पूर्वज भगवान श्री राम के मित्र थे, हैं महाराजा निषाद राज उनके पूर्वज, जैसा कि हम लोग मानते हैं वो भगवान श्री राम के मित्र थे। तो इसलिए चूंकि भगवान श्री राम का कार्य लगभग इसी प्रकार की, चूँकि इस हाँ निश्चित रूप से उस कार्य में जहाँ जहाँ व्यवधान आए भाजपा सरकार ने निश्चित रूप से उसको उन समस्याओं का हल निकाला। मतलब श्री राम के जो जिन्होंने नैया से पार लगाया था, तो क्या लगता है बीजेपी को कश्यप समाज पार लगाता रहेगा? निश्चित रूप से लगाएगा, और मैं पूरा विश्वास मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी इस समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और ये है कि कुछ समस्याएं कुछ विवाद हैं जो उनकी आवश्यकताएं हैं जिनके कारण वो समाज चाहता है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, तो हम हमारा समाज और आगे बढ़ेगा। सीताराम जी मान के चले कि मौका मिला तो उनकी समस्याओं का निदान करेंगे? निश्चित रूप से हम इस पद पे बैठ करके भी और इस पद पे नहीं भी थे तब भी हम समाज के साथ जुड़े थे, और उनके जो भी समस्याएं उनके निराकरण के लिए आपस में बैठ करके एक समाधान निकालने के प्रयास करते थे, और आज भी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो ये थे हमारे साथ सीताराम कश्यप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ललित कला एकेडमी द्वारा आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार और ललित कला एकेडमी किस तरह का कदम उठा रहा है, मूर्तिकार और चित्रकारी को किस तरह से प्रदेश सरकार मौका दे रही है। लेकिन साफ तौर पर 22 के चुनाव में जो मूर्तिकार हैं, जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, साफ तौर पर ललित कला एकेडमी में अपनी प्रदर्शनी लगाते, जिन्होंने जिस तरह से सीताराम कश्यप जी ने बताया कि हमने कई कलाकार कई मूर्तिकारों को चिन्हित किया है और उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद और मानदेय के तौर पर चीज़ें दी हैं। लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि ललित कला एकेडमी आखिर कलाकारों के लिए और योगी सरकार कलाकारों के लिए आगे किस तरह का कदम उठाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अपने समाज को लेकर अगर मौका मिला तो उनकी समस्याओं का निदान भी करेंगे। प्रदेश सरकार को लेकर उन्होंने बताया कि कश्यप समाज के लिए लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है। अब साफ तौर पर हमारे दर्शक ही बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है। ये थे हमारे साथ खास चर्चा में सीताराम कश्यप, ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष। फिर मिलेंगे खास शख्सियत में किसी और शख्स के साथ, सहयोगी मोहित के साथ। मैं विक्रम।